अगला कॉन्सेप्ट फंक्शन आता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन रिलेशन सबसेट होता है दो पार्टीशन प्रोडक्ट का। जैसे हम कह दें कि हमारा कोई एक सेट ए है, ए ई आई ओ यू, उसी प्रकार एंड अब एक सेट हम कह दें बी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आपको बताया कि रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि हम क्या करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। पहले अगर ए लिखे हैं बाद में बी लिखे हैं, तो ए के एलिमेंट्स को पहले लिखते हैं, बी के एलिमेंट्स को बाद में लिखते हैं। जैसे ए के एलिमेंट्स को उठाएंगे उसका सभी के साथ पेयर बनाएंगे बी के, तो इसका ऑर्डर पेयर अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा होगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, उसी प्रकार ई वन, ऐसे ये करते करते जाएंगे ई फोर का, उसी और आई वन करते करते जाएंगे आई फोर था, उसी प्रकार लास्ट वाला जब लिखेंगे तो यू वन यू टू अप टू यू फोर था, ठीक। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम कह रहे हैं कि इसी का, इसी के यदि हम सबसेट ले लें तो उसको हम रिलेशन कहेंगे। उस रिलेशन में देखेंगे कि जो पहला एलिमेंट होता है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन से दूसरे एलिमेंट द्वारा जुड़ा रहता है, या ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किसी न किसी एक रिलेशन द्वारा जुड़ा रहता है। तो जैसे हम कह दें कि ए इज रिलेटेड टू बी, हम ए इज रिलेटेड टू बी कह रहे हैं, तो यहाँ हम जो आर है एक रिलेशन है जिसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम कह दें कि जो आर हमारा जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन का रिलेशन है, जो आर है वो लेस देन का रिलेशन है, आर है ब्रदर्स का रिलेशन है, आर है सिस्टर का रिलेशन है, तो कुछ भी हो सकता है ये जो रिलेशन आर है, और ए और बी इसी संबंध द्वारा इससे संबंधित रहेंगे। जैसे हम कह दें कि जो आर है क्या है कि ब्रदर का रिलेशन दिखाता है, तो हम कह दें कि ए क्या होगा ब्रदर होगा किसका, ब्रदर ऑफ बी, ठीक। तो यही होता है रिलेशन। अब इसी रिलेशन को हम जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आता है फंक्शन। यहाँ तक तो हमने सारी बातें आराम से पढ़ ली थी और एक एक कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज भी कर लिया था। तो आते हैं हम डायरेक्ट इस पर, रिलेशन पर, फंक्शन पे। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है। अगर हम कह दें कि इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, सेट्स नहीं इसको हम कह लें टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन इस पर क्या कहलाता है, कोई भी फंक्शन ए, अरे कोई भी रिलेशन ए टू बी में एक फंक्शन कहलाएगा इफ देन ए रिलेशन, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। इसमें दो कंडीशन आएंगे, पहला कंडीशन है इफ, पहला कंडीशन कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द
रिमेन्स ऑफ ए इज रिलेटेड रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन रिमेन्स ऑफ बी। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे हम कह दें कि कोई हमारा एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक। हम इसमें कह दें कि ए बी सी और डी है, इसमें क्या है एक दो तीन चार पाँच है। हम कह रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब कि ए बी सी डी इसमें रिलेटेड तो होंगे सभी, इसके जो है ये इसमें किसी न किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा और यूनिक होगा। जैसे हम कह दें अगर ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, ठीक। इस प्रकार से ये क्या है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें रिलेटेड है और इसका क्या कह रहा है सिंगल यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाएगा, अगर इस प्रकार से रिलेशन ये है तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एक नया नाम देंगे जिसको हम कहेंगे फंक्शन, ठीक। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सॉरी इस टाइप ऑफ फंक्शन जाने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम जान लेते हैं।